गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3rd इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाई द इंडिया हैज अडॉप्टेड द एमपीटीपी सिस्टम, कि जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली प्रणाली है वो भारत ने क्यों अपनाई। एक किस्म से हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था और ये तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव जो स्टडी है, कंपैरिजन जो किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और आपकी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली प्रणाली के बीच में, दोनों के बीच में तुलना की थी और ये बात किया था कि क्यों इंडिया ने एमपीटीपी सिस्टम को अपनाया। लोकसभा के टर्म्स में देखे तो लोकसभा के चुनाव के लिए आज का आपका टॉपिक होगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, कि जो चुनाव क्षेत्र आरक्षित रखे जाते हैं उसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं भारत देश के अंदर बेटा हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव के लिए उसके परिपेक्ष में अगर देखें तो भारत देश ने एमपीटीपी सिस्टम को अपनाया हुआ है। एमपीटीपी सिस्टम में किसी भी एक चुनाव क्षेत्र से बात करें तो जो सर्वाधिक जिसको मत मिलेंगे वो डिक्लेयर्ड हो जाता है विनिंग कैंडिडेट। अब इसके कुछ हमने एडवांटेजेस के बारे में बात किया था, जब बात की थी हमने जो व्हाई द इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस सिस्टम तब। अब क्योंकि हर चीज के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो इसमें अगर एमपीटीपी सिस्टम की बात करें, जो लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं हम, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस इस तरह से हैं। आप हिस्टोरिकली भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो कुछ कम्युनिटीज वो मार्जिनलाइज रह गई हैं, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, किसी एक क्षेत्र में उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, अल्पसंख्यक हैं, मार्जिनलाइज हैं, डिस्क्रिमिनेशन सोशली डिस्क्रिमिनेटेड रही हैं, वो उनके साथ में भेदभाव होता रहा है। और जो इस एमपीटीपी सिस्टम है इसमें भी वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाती है। अगर हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के संविधान में नहीं रखते थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, वो काफी दूरदर्शी थे। उनके दिमाग में ये बात चल रहा था कि ऐसा ना हो कि जो सोशली बैकवर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो सोशली बैकवर्ड है समाज के जो तबके, शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, जिसके साथ में पहले से डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, आगे ना हो कि ये फिर इसी कंडीशन में रह जाए, तो फॉर द पर्पस ऑफ देयर डेवलपमेंट इनको रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर, इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, तो इन्हीं को ही हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। ठीक है, अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इसका, कब तक के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी, इसके बारे में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेगेसी के बारे में बात करते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया। बात करें तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या है इसको हम जान लेते हैं। किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक चुनाव क्षेत्र में कोई एक कम्युनिटी का ही कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा और उसी कम्युनिटी के लोग कैंडिडेट को चुनाव में वोट डालेंगे। समझ गया, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कि देश के अंदर जब चुनाव होंगे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का मतलब यह है तो वो सीट रिजर्व कर दी जाएगी कंटेस्टेंट के लिए भी, चुनाव के मैदान में जो कैंडिडेट है उसके लिए भी और चुनाव में वोट डालने वालों के लिए भी। यानी कि पार्टिकुलर किसी धर्म के कैंडिडेट ही वहां से चुनाव लड़ पाएंगे और किसी पार्टिकुलर विशेष धर्म से संबंधित लोग ही वोट डाल पाएंगे।
तो ये जो सिस्टम है सेपरेट इलेक्टोरेट का, द इंडिया हैज आउटराइटली रिजेक्टेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने इसको विचार करते वक्त पूर्णतया नकार दिया, बिकॉज इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक सेपरेटिज्म की भावना को, सेपरेटिज्म की स्प्रिट को जो है जन्म देती है, अलगाववाद को जन्म देती है। और अलगाववाद का परिणाम हम पहले ही भुगत चुके थे, जिसका परिणाम यह रहा कि भारत आजादी के साथ भारत के दो हिस्सों में बांट दिया गया भारत को, जैसा कि आप पहले से जानते हो भारत और इंडिया, हाँ पाकिस्तान। हम नहीं चाहते थे इस तरह की परिस्थितियां हमारे देश में दोबारा से बने, तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को हमने पूर्णतः नकार दिया। और फिर हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि ये तो हमारे दिमाग में था कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो ऑप्रेस्ड है, जो सोशली जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जो आज तक अनरिप्रेजेंटेड रहे हैं, उनको हम जरूर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर डेवलपमेंट। लेकिन इस में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी एक सेपरेटिज्म की भावना डेवलप ना हो, किसी दूसरी कम्युनिटी को यह ना लगे कि हमको नकार दिया गया है। ये तो था लिगेसी। अब उसके बाद में बात करते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कम्युनिटी स्पेसिफिक वोट का, उन्होंने अपोज किया कि कम्युनिटी के आधार पर ना तो कोई कंटेस्टेंट को वोट डालेंगे, यानी कि सभी कम्युनिटी के लोग हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या करते हैं, कोई वो रिजर्व कर दी किसी शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वहां से जो कैंडिडेट जो कंटेस्ट करेगा वो शेड्यूल कास्ट का होगा, बाकी सभी कम्युनिटी के लोग उस क्षेत्र में, उसके परिक्षेत्र में आने वाले सभी लोग उस शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को ही वोट डालेंगे। ठीक है, जो कंटेस्टेंट होंगे, जितने भी उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में होंगे, चुनाव के मैदान में किसी एक निश्चित चुनाव क्षेत्र से होंगे, पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से होंगे, वो शेड्यूल कास्ट के हो सकते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब के हो सकते हैं, लेकिन वोटर्स हर कम्युनिटी के उसको वोट डालेंगे। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हमने बात कर लिया कि जैसे कि हम अपने देश में देखते हैं, देश के अंदर दो तरह से अगर सोशल ग्रुप्स को आप डिवाइड कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो समझने के पर्पज के लिए, कि एक तो डोमिनेंट ग्रुप है और एक ऑप्रेस्ड क्लास है। डोमिनेंट ग्रुप का मतलब यहां पर यह हो गया कि ये किसी हर क्षेत्र में संख्या के आधार पर देखा जाए तो डोमिनेंट ग्रुप ज्यादा है संख्या के हिसाब से। तो अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेके आते तो हर कहीं पर ये ही डोमिनेट करेंगे, इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा, और ये लोग जो ऑप्रेस्ड है, जो सोशली डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस है, या फिर जो अंडर डेवलप रह गए हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाएंगी या बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, और क्योंकि ये इतने अल्पसंख्यक है ऑप्रेस्ड क्लास कहीं कहीं पर, कि ये जो परिणाम है चुनाव के परिणाम को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, यानी कि इनके आधार पर कोई कैंडिडेट अगर ये चाहे भी, किसी कैंडिडेट का जो विजय में इनका रोल नहीं रहता है, काफी मात्रा में कम रहते हैं। इस वजह से हम लोगों को जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, लोकसभा के लिए भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी गई है, आरक्षित सीटें, और इसी तरह विधानसभा के लिए भी आरक्षित सीटों का व्यवस्था की गई है। लोकसभा की आरक्षित सीटों के बारे में बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 84 सीट्स हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा के अंदर रिजर्व की गई हैं। ये अगर हम परसेंटेज के लिहाज से देखें तो मोर और लेस इट इज 24%, और ये 31 सीटें टोटल होंगी। और कब तक के लिए होंगी ये, इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश के अंदर प्रिपेयर किया गया था, तब जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने 10 साल के लिए रखा था, बट
जो सक्सेसिव सरकारें आई, गवर्नमेंट्स ने इनको हर बार एक्सटेंशन करते गए और ये अभी तक, अभी जो है लेटेस्ट ये 2020 तक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है बनी रहेंगी और इसके बाद में भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो ये कंसेप्ट है होपफुली आप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद में इसी को आगे कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.